देखो, कल एक्सरसाइज 2 सीट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग को रिमाइंडर निकालना था बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे दिया हुआ है कि इस एक्सरसाइज में यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पहले फैक्टर होता क्या है जानते हो कि अगर मान लो कि हमको 12 का फैक्टर पता करना है कि 12 का क्या क्या फैक्टर होता है। अगर हमको 12 का फैक्टर निकालना है तो 12 का फैक्टर जैसे होता है 2, 3, 4, 6 और खुद 12, क्योंकि ये वो नंबर है। इसका फैक्टर बोले ना जैसे 2, 3, 4, 6, 12, क्योंकि इन सारे नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करें तो पूरा पूरी कट जाता है। पूरा पूरी कट जाता है मतलब यहाँ पे रिमाइंडर जो है मेरा 0 आता है। उसी तरह से अगर मान लो कि लिखते हैं जैसे 48 और फिर बोलते हैं कि क्या 7 जो है 48 का फैक्टर है या नहीं है, तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर देखते हैं कि अगर मान लो 48 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 जा 7 6 जा 42, रिमाइंडर आ गया मेरा 6। रिमाइंडर बच गया, पूरा नहीं कटा, मतलब कि 7 जो है वो 48 का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर हमको किसी भी नंबर का फैक्टर चेक करना हो तो हम उससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा 0 होना चाहिए। तो अब उसी तरीके से हम चलेंगे जो पिछला क्लास में हम पढ़े हैं कि हमको फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करना, फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। जिस तरह से हम लोग रिमाइंडर निकालते थे वैसे ही हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब कि वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। अब जस्ट लाइक एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे यहां मान लो पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर 12 और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस 2। पता करना है कि एक्स प्लस 2 जो है इस एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं सॉल्यूशन में कि जो भी आपका जी एक्स दिया हुआ है उसको इक्वल टू 0 कर लो, मतलब कि एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2। अब ये माइनस 2 इसमें पुट करो इस वाले इक्वेशन में, तो यहां पे लिखेंगे पी माइनस 2। पी माइनस 2 पुट किए अब यहां पे कितना आया माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर 12, कितना आया यहां पे 2 का पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 2 का पावर 2 4 माइनस 12, तो 16 माइनस 16 कितना आ गया 0 आ गया ना, 0 आ गया मतलब फैक्टर है। लिखा है लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है ना, मतलब कि वहां से वैल्यू निकालते हैं और रिमाइंडर निकालने के लिए पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया, रिमाइंडर अगर 0 आया मतलब फैक्टर है। ठीक, अब फिर देखो
चलो निकालो तो तुम लोग चेक करो फैक्टर है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहां से क्या लिखते हैं, यहां से लिखेंगे जी एक्स जीरो, थ्री एक्स माइनस टू जीरो, थ्री एक्स टू टू बाई थ्री। अब लिख देंगे यहां पर एक फैक्टर थ्योरम भी लिख ही लेते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी, और जहां पे एक्स है एक्स का वैल्यू कितना है टू बाई थ्री, इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम से क्या बोलता कि पी टू बाई थ्री आपका जीरो आना चाहिए, तब तो फैक्टर होगा नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। तो फिर हम लोग यहां पर लिखते हैं पी टू बाई थ्री, यहां पर लिखेंगे थ्री टू बाई थ्री का होल क्यूब, टू बाई थ्री का स्क्वायर, ट्वेंटी टू बाई थ्री ट्वेल्व। ठीक, तो थ्री एट बाई ट्वेंटी सेवन, फोर बाई नाइन ट्वेंटी, ट्वेंटी टू जै क्या हो गया फोर्टी, फोर्टी बाई थ्री, और यहाँ से ट्वेल्व बाई में वन कर दो, ये कट गया इससे थ्री बाय नाइन बाई में हो गया ना। फिर यहाँ आया नाइन नाइन थ्री वन, एलसीएम कितना होता है नाइन नाइन थ्री वन का एलसीएम नाइन, तो हम यहां पर लिख देंगे नाइन, तो यहां पहुंच जाएगा एट फोर माइनस फोर्टी, फोर्टी नहीं माइनस यहां पे वन ट्वेंटी होगा, माइनस वन ट्वेंटी और फिर नाइन वन हंड्रेड एट, एट फोर जे ट्वेल्व, ट्वेल्व एंड वन हंड्रेड एट 120, 120 बाई 9, मतलब आपका आ गया 0 बाई 9, मतलब आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब P 2 बाई 3 आपका 0 आ गया ना, तो P अगर 2 बाई 3 0 आ गया इसका मतलब वो फैक्टर है। तो लिख रहे हैं यहाँ पे कि सिंस P 2 बाई 3 इक्वल टू 0, देयर फोर जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर, एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं।
पी एक्स बराबर दिया हुआ है 2√2x² प्लस 5x प्लस √2, जी एक्स बराबर दिया x प्लस √2, वो फैक्टर है या नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे सबसे पहला क्या करते हैं कि जी एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब हो गया x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस √2। ये तो स्टेटमेंट हर किसी में फिक्स ही है कि लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी एक्स इफ लिख देंगे। और फिर अब यहाँ पर पी और वैल्यू कितना पुट करना है आपको, माइनस √2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, पुट कीजिए उसमें। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि पी माइनस √2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2√2, यहाँ पर लिखेंगे √2 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 5 माइनस √2 और यहाँ प्लस √2, ये हो गया आपका 2√2। √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर करोगे ना, √2 × √2 2, तो यहाँ पर सिर्फ लिखोगे 2, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर जाओ 5√2 और यहाँ पर हो गया √2, 2 × 2, देखो रूट रूट से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, ये हो गया 4√2 माइनस 5√2 प्लस √2, तो यहाँ पे 4√2 है और यहाँ पे 1√2 है, प्लस में है 4√2 और 1√2, कितना हो गया 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 5√2 और यहाँ पर माइनस 5√2, प्लस वाला को पहले जोड़ लिए तो 5√2 − 5√2 कितना हो गया 0। तो लिखेंगे हम कि सिंस पी माइनस √2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्लियर। अब क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह का। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके कभी भी अगर आपको फैक्टर निकाल मतलब बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो फिर जी एक्स को पहले इक्वल कर देंगे, इक्वल पर करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और वो एक्स का वैल्यू आपको पी एक्स में पुट कर देना, और फिर अगर पी एक्स आपका 0 हो जाता है तो फैक्टर है, और अगर 0 नहीं होता है तो फैक्टर नहीं है, ठीक। अब कुछ इसी से रिलेटेड वर्ड सम्स है, उसको करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर समझ में आ गया ना, आर सवाल का क्वेश्चन नंबर 11 है। नहीं 11 नहीं 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ
टू एक्स क्यूब नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। क्वेश्चन है कि आपको के का वैल्यू फाइंड करना है ताकि x माइनस वन जो हो इसका फैक्टर हो जाए। ठीक, हम थोड़ा देर के लिए इसको पॉलिनोमियल x मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं और लिखते हैं कि लेट पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स क्यू नाइन एक्स स्क्वायर एक्स के। ठीक है ना, अब जिस ये x माइनस वन इसका फैक्टर है तो पहले x माइनस वन को कितना कर लेते हैं, जीरो। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका वन। तो लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ टू, या फैक्टर ऑफ डायरेक्ट हम लोग इसको तो पी एक्स मान चुके हैं, पी एक्स है ना, कि x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस पूरे को हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ x मान लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है तो p अगर वन पुट कर दे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। अगर फैक्टर है तो फैक्टर कब होगा, जब ये वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। पहले हम लोग जीरो ला करके दिखाते थे ना कि अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, और ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि फैक्टर है। तो फैक्टर कब होगा, जब यहां से जो वैल्यू आ रहा है इस एक्स में पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका पी वन जो है वो जीरो है। तो पी वन जीरो है तो आप इसमें वन पुट कीजिए, वन पुट कीजिए तो क्या आएगा, तो लिखेंगे टू वन का क्यूब नाइन वन का स्क्वायर वन प्लस के इक्वल टू कितना, जीरो। तो यहां आ गया आपका टू वन, तो वन ही लिखाएगा, वन का क्यूब वन, फिर नाइन, और फिर कितना आ गया यहां पे वन वन के जीरो। तो यहां से कितना आ गया टू प्लस नाइन प्लस वन, तो कितना हो गया इलेवन ट्वेल्व। तो यहां पर गया ट्वेल्व प्लस के जीरो, के का वैल्यू कितना आ गया माइनस ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व है उधर गया तो माइनस ट्वेल्व। क्लियर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स टू द पावर फाइव माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस टू ए प्लस थ्री।
नहीं नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स प्लस टू ए एक्स प्लस टू ए. क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स प्लस टू ए. एक्स प्लस टू ए इज द फैक्टर ऑफ एक्स टू द पावर फाइव माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस टू ए प्लस थ्री. ठीक, तो सबसे पहला काम तो यह है कि हम लोग इसको एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं. एक्स वेरिएबल है तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल्स टू है आपका एक्स टू द पावर फाइव फोर ए स्क्वायर एक्स क्यू थ्री टू एक्स टू ए प्लस थ्री. ठीक ना. अब यहां से चूंकि ये जो x प्लस टू ए है इसका फैक्टर है तो पहले उसको जीरो करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो लिखेंगे x प्लस टू ए इक्वल टू जीरो. तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया माइनस टू ए. प्लस है तो उधर गया तो माइनस टू ए. फिर लिखेंगे कि सिंस सिंस एक्स प्लस टू ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स. जो एक्स प्लस टू ए है फैक्टर है पी एक्स का, इस पॉलिनोमियल का. तो इसका मतलब कि जहां पे एक्स है वहां पे वैल्यू माइनस टू ए रखे पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो जाएगा. तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पी अगर माइनस टू ए रखें तो ये मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा जीरो. मतलब हो गया कि आपका माइनस टू ए टू द पावर फाइव फोर ए स्क्वायर और फिर यहां पर लिखे माइनस टू ए टू द पावर कितना होल क्यूब प्लस टू एक्स या फिर माइनस टू ए फिर प्लस टू ए थ्री इक्वल टू जीरो. ठीक है ना. माइनस है पावर फाइव ऑड है तो माइनस का माइनस से रहेगा. तो यहां जाए माइनस टू का पावर फाइव कितना होता है थर्टी टू. तो थर्टी टू ए का पावर फाइव. यहां से हो गया फोर ए स्क्वायर. फिर यहां माइनस है पावर ऑड है तो माइनस का माइनस ही रहेगा. तो माइनस लिखेंगे और यहां लिखेंगे एट ए क्यूब प्लस माइनस माइनस तो फोर ए प्लस टू ए प्लस थ्री जीरो. यहां तो माइनस थर्टी टू ए टू द पावर फाइव. देखिए माइनस माइनस प्लस ये मल्टीप्लाई में है दोनों. तो यहां हो गया आपका प्लस थर्टी टू ए का स्क्वायर और ए का पावर क्यूब तो ये हो गया ए का पावर फाइव. फिर यहां पर हो गया फोर ए टू ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. अब माइनस थर्टी टू ए का पावर फाइव और यहां प्लस थर्टी टू ए का पावर फाइव कट जाएगा. यहां माइनस फोर ए प्लस टू ए माइनस प्लस माइनस तो फोर में से टू गया टू. तो बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस टू ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. मतलब माइनस टू ए इक्वल टू माइनस थ्री. माइनस माइनस कट गया ए इक्वल टू आ गया आपका थ्री बाय टू. कुछ क्लियर हुआ. अब कभी भी दिया रहेगा तो क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स प्लस टू ए इज अ फैक्टर. कभी कभी डिविजिबल कह दे. डिविजिबल का मतलब वही है कि जैसे कि सेवन इज डिविजिबल ऑफ फोर्टी नाइन. सेवन जो है फोर्टी नाइन से डिविजिबल है. डिविजिबल है का मतलब कि अगर सेवन को फोर्टी नाइन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा. फैक्टर है जो फैक्टर होता है वही डिविजिबल भी होता है. तो दोनों क्वेश्चन में अगर फैक्टर कहेगा तो भी आपको सेम ऐसे ही बनाना है वो तो समझिए. और अगर डिविजिबल कह दिया तो कंफ्यूज नहीं करना है.
डिविजिबल का मतलब भी वही हुआ कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब उस नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, मतलब प्रोसेस उसका सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि 7 इज द फैक्टर ऑफ 49 एंड 7 इज ऑल्सो डिविजिबल ऑफ 49, 7 49 का फैक्टर है क्योंकि 7 जो है 49 का डिविजिबल है, पूरा पूरी कटता है, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन देते हैं जो फैक्टर को बस वर्ड चेंज कर दिया है, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस जैसे क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x² माइनस एक्स प्लस ए इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस 3। अब फैक्टर का यहां पर क्या दे दिया है, डिविजिबल दे दिया है, तो सॉल्यूशन में सेम वही से ही लिखोगे। पहले तो इसको पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल्स टू लिख देंगे एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x² माइनस एक्स प्लस ए, लिखेंगे सिंस एक्स प्लस 3 इज डिविजिबल बाय पी एक्स, है ना, दिया हुआ पी एक्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू माइनस 3 करेंगे, तो दैट इज कि p माइनस 3 आपका कितना आना चाहिए, 0। यहां से जो वैल्यू x का निकालें पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए। अब पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर दीजिए तो फिर वही लिखेंगे कि माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 3 क्यूब माइनस 11 माइनस 3 स्क्वायर माइनस माइनस 3 प्लस ए 0। माइनस है पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, इवन है ना, तो 4 हो जाएगा, तो 3 का पावर 4 तो 3 × 3 × 3 × 3 81। माइनस लिखे माइनस और यहां पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा 27, फिर माइनस 11 और माइनस का पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा माइनस 9, नहीं नहीं इवन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस ए इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से हो गया आपका 81 माइनस माइनस प्लस 27 माइनस 99 प्लस 3 ए 0। कल ही बोले कि इस तरह से बहुत सारा माइनस प्लस रहेगा तो पहले प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेना, तो प्लस में 81 27 और 3 है तो 87 और 27 कितना हो गया 108 प्लस 3 111 हो गया, तो लिखेंगे 111 माइनस वाला को ऐसे लिख दो प्लस ए इक्वल टू 0। 111 में 99 गया कितना बचा 12, तो 12
प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू कितना हो गया माइनस ट्वेल्व। कुछ क्लियर हुआ चैप्टर? ऐसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, बस आपको इसी तरीके से बनाते जाना सारे क्वेश्चन को। तुम लोग अभी इस एक्सरसाइज को पूरा खुद से सॉल्व करोगे टोटल, फिर जो डाउट होगा नेक्स्ट सेक्शन में हम बताएंगे, लेकिन पहले तुम लोग इसको खुद से करोगे।